क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह वर्ष 2002 में लागू हुआ। तो यह औद्योगिक देशों में के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करता है, तो करता है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह वर्ष 2002 में लागू हुआ। यह 2002 में नहीं लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। और क्वेटो प्रोटोकॉल आया कब था? तो आया था 1997 में, और लागू कब होगा? 2005 में। इसके उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। वर्तमान में क्वेटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार हैं। तो बाजार तंत्र भी यहाँ से कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, पूछा है गलत कौन सा है, तो ये गलत है। ग्रीन हाउस गैस कौन सा ग्रीन हाउस गैस है लेकिन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस है लेकिन वायु प्रदूषक नहीं है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या है? ये प्रदूषक है, ये भी प्रदूषक है, और सीएफसी भी प्रदूषक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये प्रदूषक नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है लेकिन प्रदूषक नहीं, ठीक है। नॉर्मली ये प्रदूषण नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण गैस का मुख्य घटक है? संश्लेषण गैस, या इसी को क्या कहा जाता है? सिन गैस कहा जाता है। इसका पूछ रहा है कौन सा घटक है? तो संश्लेषण गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ कम मात्रा में CH4 और CO2 भी प्रोड्यूस होता है। यह कोयले के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली गैस है, ठीक है। तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इस गैस का यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किया जाता है, फाइटो रेमेडिएशन का क्या अर्थ है? दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइटो और रेमेडिएशन। तो इसका क्या मतलब है, प्लांट क्या कर रहा है, कहीं पर जो दूषित पदार्थ है उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, उसको वहां से हटा रहा है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में मौजूद जैविक पदार्थों का अपघटन की प्रक्रिया। फाइटो का क्या मतलब होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट कहाँ रिमूवल का काम कर रहा है? सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में मौजूद कार्बन अपघटन की प्रक्रिया। मृदा और जल में से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए पौधों का जो उपयोग किया जाता है इसको कहा जाता है क्या? फाइटो रेमिडिएशन, ठीक है। प्लांट क्या करे, जो पॉल्यूटेंट हो उनको क्या करे, रिमूव कर दे। मतलब रिमूव कैसे करेगा, उनका अवशोषण कर लेगा, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके माध्यम से क्या होगा, वो जो सॉयल है या जल है वो क्या हो जाएगा, उसमें पॉल्यूशन का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। परमा कल्चर क्या है? परमा कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, परमा मतलब परमानेंट से है, परमानेंट से है, और कल्चर का क्या मतलब हुआ, कल्चर का मतलब कृषि से है। ऐसी कृषि जो परमानेंट हो, तो परमानेंट कृषि बिना प्लांट के हो सकती है क्या? प्लांट जिसमें लगाया जाए, जिसमें प्लांटेशन भी किया जाए और एग्रीकल्चर भी किया जाए, जो मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा और जो विकास है, जो एग्रीकल्चर का विकास है उसको सस्टेनेबल बनाएगा या सतत बनाएगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए को क्या कहा जाता है, परमा कल्चर। इसमें क्या होगा, वृक्षारोपण भी होगा और फसलों की खेती होगी, और फसलों में क्या होगा, डाइवर्सिटी इसमें रखी जाती है, जिसमें फसलों में क्या हो, डाइवर्सिटी बनी रहे। लंबे समय तक कृषि की सुविधा के लिए मृदा उपचार, टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। तो यहाँ क्या है, टिकाऊ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, तो बी सही हो जाएगा। सिल्वी कल्चर क्या है, मिलान करना है। सिल्वी कल्चर क्या है, सिल्वी कल्चर वनों का संवर्धन, वनों का संवर्धन और विकास इससे संबंधित होता है, तो सिल्वी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सिल्क का उत्पादन नहीं होगा सिल्वी कल्चर में, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या होता है, शहद मधुमक्खी का पालन होगा, तो ये सही है। ये क्या है, ये सेकेंड वाला सही है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या होता है, मछलियों का कृत्रिम प्रजनन नहीं होता है, सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम, रेशम के कीड़ों का उत्पादन किया जाता है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही हुआ, केवल दो, केवल दो किसमें है, सी में है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कच्छ का रन है, ठीक है।
पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व तो अधिक है? मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिल रहे हैं? तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ नीलगिरी के पास मिलते हैं। यहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, यहीं पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है क्या? सत्यमंगल मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वो नीलगिरी का ही भाग है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक किसकी है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल इसमें सबसे ज्यादा किसकी है? तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें इसकी हो जाएगी। वैसे किसकी होती है? वैसे होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, सबसे ज्यादा होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, क्योंकि यहाँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऑप्शन में नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन का है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HF6, इसकी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है? इसकी सबसे ज्यादा होगी। कौन सा मीथेन का स्रोत है? सोर्स ऑफ मीथेन, तो बायोमास का दहन कोयला खनन से भी निकलेगा, चावल के खेत से भी प्रोड्यूस होता है। जो अस्थायी तुषार होती है जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, इसमें भी बर्फ के गलने से क्या होता है? अवमुक्त होती है क्या? CH4 मेथेन अवमुक्त होती है। तो चारों सही है, चारों डी में है। कौन सा भारत में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईची लक्ष्य किससे संबंधित है? आईची लक्ष्य जो है नगोया प्रोटोकॉल जो था, प्रोटोकॉल में आया था, और ये आया था 2010 में, और वो काप कौन सा था? काप 10 था, काप 10 में आया था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? आईची लक्ष्य का जैव विविधता पर एक कन्वेंशन था, ये बायोडायवर्सिटी पर एक कन्वेंशन था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 87 में। रामसर कन्वेंशन 71 में हुआ था, 2 फरवरी वेटलैंड दिवस मनाते हैं हम लोग। इकोटोन के बारे में, इकोटोन क्या होता है? यह एक बायोम से बड़ा होता है, कोई जरूरी नहीं कि बायोम से इकोटोन बड़ा हो। ठीक है, यह तनाव का क्षेत्र है क्योंकि इसमें आपन पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्यवर्ती स्थितियां होती हैं। मतलब मान लीजिए एक इकोसिस्टम ये है और दूसरा इकोसिस्टम ये है, ये जो बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है ये इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वही कह रहा है, आपन परिस्थितिकी मध्यवर्ती स्थितियां होती हैं, तो मध्यवर्ती ये स्थिति है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में कुछ अनूठे जीव होते हैं जो आपन परिस्थिति, मतलब कुछ ऐसे जीव इस क्षेत्र में पाए जाएंगे जो ना यहाँ पाए जाएंगे ना यहाँ पाए जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तभी ये क्या है, इन दोनों क्षेत्रों से बायोडायवर्सिटी इस क्षेत्र की ज्यादा होती है, तो क्या होगा, यहाँ कुछ स्पीसीज ऐसी पाई जाएंगी जो इन दोनों की विशेषता नहीं है, तो यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इकोटोन दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है। ठीक है, इंटर जंक्शन बिटवीन, ये भी सही है। तो हम देख रहे हैं पहला केवल ये एक बायोम से बड़ा होता है, तो ये जरूरी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 जहां हो वही सही है, 2, 3, 4 बी में। जीव मंडल का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, जीव मंडल को सर्वोत्तम रूप से, बायोस्फीयर को कौन सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है? यह लिथोस्फीयर का ऊपरी क्षेत्र है, इसमें कंफर्म नहीं हो रहा। यह संकीर्ण क्षेत्र है जहां जीवन जीवन रूपों को रखने के लिए जमीन, पानी और हवा एक साथ आती है। मतलब जमीन का क्या मतलब हुआ? लिथोस्फीयर। यह क्या हुआ? पानी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और यह क्या हुआ? एटमॉस्फीयर। हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यह एक जलमंडल के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र है, नहीं, यह पृथ्वी के सभी रूपों में अजैविक है, तो यही सही होगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा, जिसमें जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों हो, तो क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर हो जाएगा। सबसे बड़ी जनसंख्या पाए जाने की संभावना है, कहां सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाएगी? समुदाय, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोस्फीयर। अभी हमने क्या बताया कि बायोस्फीयर क्या होता है? एक बड़ा क्षेत्र होता है। हमारी पृथ्वी क्या है?
एक बायोस्फीयर है ना, पृथ्वी क्या है, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर क्या होगा, तो बायोस्फीयर है तो पृथ्वी पूरी बायोस्फीयर है, तो जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी, बायोस्फीयर में पाई जाएगी, क्योंकि समुदाय ये छोटी अवधारणा है। उसके बाद इकोटोन, बहुत इकोसिस्टम छोटा हो सकता है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बायोस्फीयर है, जो सबसे अधिक जनसंख्या को धारण कर सकता है। लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण है, लाइकेन किसका उदाहरण है, शैवाल आश्रय पानी और खनिज प्रदान करता है, कवक भोजन प्रदान करता है, कवक आश्रय जल और खनिज प्रदान करता है, शैवाल भोजन प्रदान करता है, तो बी सही हो जाएगा। बी क्यों सही हो जाएगा, लाइकेन हमने क्या बताया था, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंगाई। फंगाई का मतलब क्या हो गया, कवक, और इसका मतलब शैवाल। कवक और शैवाल मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। इन दोनों का सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब, सिम्बियोटिक रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो शैवाल क्या करेगा, एल्गी के पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करेगा, फूड बनाएगा, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक नेचर का है, या ऑटोट्रॉपिक है मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाता है वो ऑटोट्रॉफिक है। और ये क्या है, फंगस क्या है, ये सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है, सैप्रोफिटिक है। तो सैप्रोफिटिक होगा तो मृत सड़े गले पदार्थों से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को देगा, और एल्गी क्या करेगा, भोजन बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसमें बी सही हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र है, इसमें से गैसीय चक्र कौन सा है, तो कार्बन चक्र, CO2 के रूप में आपने देखा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में आपने देखा होगा इसको, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। जल चक्र, जल चक्र में वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में आपने इसको देखा होगा जल चक्र को। तो ये हो गया, ये हो गया। फास्फोरस जो है आप चट्टानी संरचना में इसका कंटेंट देखते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, सही हो जाएगा, तो ए, ये ए और सी सही हो जाएगा। बायोमार्कर का आमतौर पर एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बायोमार्कर क्या है, बायोमार्कर एक बायोम के आकार में वृद्धि करता नहीं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता है, एक जीव में रोग हो सकता है, ठीक है, एक जीव में रोग हो सकता है। बायोमार्कर कुछ बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें किसी रोग के बारे में इंगित करते हैं या उसकी पहचान सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, किसी रोग के वाहक हो सकते हैं या हो सकता है उन्हीं केमिकल से रोग हो जाए या उनको पहचानने में मदद कर सकते हैं, ठीक है, तो एक जीव में रोग हो सकता है बायोमार्कर। सूचक जातियों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, इंडिकेटर स्पीसीज क्या करती हैं, जो किसी चीज के बारे में इंडिकेट करें, ठीक है, जैसे हमने अभी क्या बताया था, लाइकेन, लाइकेन क्या करता है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर किसका है, वायु एयर पोल्यूशन का, लाइकेन किसका है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, उसमें भी क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो लाइकेन क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है, इसकी स्थित पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, एक यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक प्रमुख प्रजाति है जिससे बिना स्थानीय खाद्य श्रृंखला के ध्वस्त हो सकती है, ऐसा नहीं, यह एक स्थानीय प्रजाति है जो खाद्य श्रृंखला निरंतर है, ये उन सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है जो पारिस्थितिकी तंत्र संकटग्रस्त, तो सबसे अच्छा कौन सा है, इसमें समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है, इनका विकास क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, जैसे कोरल होता है, कोरल, कोरल रीफ, तो कोरल क्या करता है, टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के प्रति क्या करता है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। महासागरों में गहरे भागों में किसकी अनुपस्थिति के कारण प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है, क्या नहीं होगा वहां गहरे सागरों में, गहरे सागरों में हमने पढ़ा होगा कि धूप जो आती है वो क्या होगा, कुछ गहराई तक ही जाएगी ना, कुछ गहराई तक जाएगी, हो सकता है ये 200 मीटर तक जाए लगभग, ठीक है, 200 मीटर तक, इसके नीचे क्या होगा, सनरेज नहीं पहुंच पाती है तो यहाँ अंधेरा होता है, तो क्या होगा, धूप हो जाएगा, ठीक है, मतलब सनलाइट, और सनलाइट नहीं होगी तो प्राथमिक उत्पादन जो होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी।
सबसे अधिक प्रवाल प्रजाति किस महासागर में पाई जाती है? तो किस महासागर में पाई जाएगी? आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ मतलब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर देखा होगा, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को अगर हम पूछे किस महासागर में है, तो आप देखेंगे प्रशांत महासागर में है। और यहीं पे क्या होगा, कोरल ट्रायंगल एक पाया जाता है इसी के ऊपर प्रशांत महासागर में। इधर हिंद महासागर है और इधर क्या है, प्रशांत महासागर है। तो जो यहाँ पे एक कोरल ट्रायंगल पाया जाता है, तो ऐसे इस महासागर में, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, कोरल पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा स्रोत सोर्स कौन सा है? तो औद्योगिक विनिर्माण, कृषि क्षेत्र, जंगलों की सफाई, जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। आर्सेनिक प्रभावित नदी में मौजूद, नदी के मैदानों की नदियां कहां से निकलती हैं? तो आपने देखा होगा आर्सेनिक जो पोल्यूशन है सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, और वो भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। इधर आएंगे तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, उत्तर के जब ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे तो कम होता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, तो वहां कौन सी नदियां हैं, तो हिमालयी नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यावसायिक खतरा नहीं है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड कौन सा है इसमें? तो मेनिनजाइटिस से क्या होता है, ब्रेन में सूजन आता है, ब्रेन में एक मेनिनजाइटिस मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होती है, स्वेलिंग होती है। छह रोग टीबी के बारे में आप जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, गठिया जो है गांठों से संबंधित है, जो साइनोवियल फ्लूइड के कम होने के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बचा, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है, सिलिका के जब सांप के द्वारा सिलिका के अंदर चले जाने के कारण ये रोग होता है, ठीक है। इसमें लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी या जो फेफड़े से संबंधित बीमारियां हैं वो होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैव विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैव विविधता क्या होती है, तो जीवों का एक समुदाय जिसमें वे रहते हैं पर्यावरण के साथ। तो जीवों का समुदाय, फिर समुदाय की बात यहाँ कर रहा है, किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर जैविक और अजैविक तत्वों के बीच सम्मिलन। तो ये क्या कर रहा है, जब जैविक अजैविक तत्व, तो ये इकोसिस्टम हो जाएगा पूरा, ठीक है, इकोसिस्टम हो गया। भूमि, समुद्र और वातावरण का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था, भूमि मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर। तो इसका क्या मतलब हमने बताया था कि ये बायोस्फीयर है, ठीक है। तो बायोस्फीयर है तो ये भी नहीं होगा, किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार के जीवित जीव, सभी प्रकार के जीवित जीव क्या है, इसके पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, ये है, ठीक है। जैव विविधता की परिभाषा क्या है, ये है। उसमें होता क्या है, और अच्छी परिभाषा इसकी देखना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि किसी क्षेत्र में निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में पाई जा रही जननिक, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी के योग को क्या कहा जाएगा, जैव विविधता कहा जाएगा, किसी निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये ज्यादा सही है, सभी प्रकार के जीवित जीव, ठीक है। स्थानीय रूप से सूसु नामक विभिन्न प्रकार के डॉल्फिन भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती हैं। बिहार में, बिहार के भागलपुर में इसके लिए एक सेंचुरी बनाई गई, बिहार के भागलपुर में इसके लिए एक सेंचुरी बनाई गई है और वहां इसके रिसर्च के लिए भी एक संस्थान बनाया गया है बिहार में। कौन सा वनस्पति संरक्षण के, इक्सीटू कंजर्वेशन की विधि, कह रहा है इक्सीटू कंजर्वेशन की विधि, मतलब कहीं बाहर ले जाके कंजर्व करना। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, वहीं पे संरक्षण किया जाता है प्रजातियों का, ठीक है। पवित्र उपवन में भी वहीं किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में भी वहीं किया जाता है। बीज बैंक में या फीड बैंक में क्या होता है, कहीं अलग से इसको संरक्षण किया जाता है। इसी तरह का जीन बैंक होता है, जीन बैंक है, सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, जो कम ताप पे प्रजातियों को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, इक्सीटू कंजर्वेशन में। गज यात्रा अभियान के आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें क्या होता है, जो हाथी के कॉरिडोर है उसको सुरक्षित करने के लिए, यानी ह्यूमन और जो हाथी के बीच संघर्ष है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। कौन सा खेतों में ग्रीन हाउस गैस
नहीं उत्सर्जित होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग यूरिया यूज करते हैं खेतों में, यूरिया यूज करते हैं, तो यूरिया से क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड बन सकता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है आपको पता होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये कहाँ से होगा, ये प्रतिपीतकों या फ्रिज या AC ऐसी चीजों से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा बी, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध किससे मिलके बना होता है, तो स्मोक से बनता है और फॉग से बनता है। ठीक है, इसमें जो है ओजोन, ओजोन भी होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड भी देखा जाता है, नाइट्रिक एसिड देखा जाता है, इसमें क्या होगा, नाइट्रिक एसिड भी देखा जाता है इसमें। इसमें आंखों, इसके माध्यम से क्या होता है, आंखों में जलन होती है, सांस सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ और जुकाम जैसी चीजें दिखाई देती हैं और सर दर्द भी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें पैन भी देखा जाता है, पैन पराक्सिल एस्टिल नाइट्रेट भी देखा जाता है इसमें, तो ये सब इसका केमिकल कंपोजिशन है।